मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वाली युवतियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े मंदिरों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर में शालीनता से आए। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति और ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में अब छोटे वस्त्र पहनकर आने वाली युवतियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े इन दोनों मंदिरों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इन मंदिरों में केवल उन्हीं युवतियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका शरीर 80% ढका होगा। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर जाते समय हमें मर्यादा में रहना चाहिए, लिहाजा अगर कोई युवती कम कपड़ों में यहाँ आई तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, उनको अपने जब मंदिर में वो आते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान किसी समारोह में जाते हैं तो अपने वस्त्रों का अपने परिधान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है समाज में इसकी हर जगह निंदा हो रही है। खास करके धर्म स्थानों में भी तो विशेषकर माताओं और बहनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। भारत के अनेकों मंदिरों में इसमें एक कंडक्ट लागू हो रखा है वस्त्रों का, दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में। पिछले दिनों ये सुनने में आया कि महाराष्ट्र के भी कुछ मंदिरों में सरकार की जो कमेटियां हैं वहां, उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया है। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं से ये अपील है कि मंदिरों में जब भी हम जाएँ, हमारी जो वासना है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको आप घर पर ही परित्याग करें और श्रद्धाभाव से आकर के पूजन करें। संपूर्ण भारतीय परिवेश में अथवा आधुनिक परिवेश में कम से कम 80% शरीर का अंग हमारे ढके रहने चाहिए और ये होना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसी जो दृष्टियां हैं उससे समाज में कुरीतियां फैलती हैं। आज जो लव जिहाद की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये अनेकों प्रकार के युवा अवस्था के जो बालक और बालिकाएं हैं उनके समाज में जो विकृति आ रही है उसमें प्रदर्शन भी एक उसका माध्यम है। इसलिए जितना प्रदर्शन गलत होगा उसका प्रभाव हमारे मन पे, हमारी वाणी पे, हमारी आंखों पे पड़ता है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।